बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। किस श्रृंगार नारी की शोभा न होती, और होती जो गुणवान नहीं, और रूपवती पद चलन नारे कभी पा सकती सम्मान नहीं। अब देखो कानों की सुंदरता क्या है। कानों की शोभा कुंडलना और श्रवण भागवती बाणी, बेकार के नैना कजरा रे जिन में न लाज का पानी। शोभा देगी जब और मस्तिष्क में कोई ज्ञान नहीं, और रूपवती बद चलन नारी कभी पा सकी सम्मान नहीं। पर ठाट बाट बाजार चाहिए, और पति मरे या बिके जो पड़ी घर में खड़ा सुनार चाहिए। और बताया हाथों की शोभा, ये कंगन हाथों की शोभा नहीं है। हाथों की शोभा चकरा चकरा चिल बटना, उनके आगे क्या चीज वली हत फूल यार सी और कंगना। आपसे निवेदन करूं भक्तों, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में चार प्रकार की पतिव्रता लिखी। चार प्रकार की पतिव्रता, पहली पतिव्रता बताई उत्तम, दूसरी मध्यम, तीसरी नीच और चौथी लघु। उत्तम पतिव्रता वे होती है जिन माताओं का ध्यान सोने पर भी पर पुरुष की तरफ न जाए, वो उत्तम पतिव्रता है, सोने पर भी न जाए। और मध्यम पतिव्रता वे होती है जिनका पर पुरुष की तरफ ध्यान जाता है, बराबर का है तो भाई समझ के जाए, बड़ा है तो पिता समझ के जाए, और छोटा है तो बेटा बेटा समझ के जाए। ये फर्स्ट वाली नहीं है, सेकंड वाली पतिव्रता है, वो मध्यम पतिव्रता है। और नीच पतिव्रता वे होती है जिनका पति होते हुए भी पर पुरुष के साथ में रहना चाहती है, लेकिन समाज का डर लग रहा है, दुनिया वाले ये कहेंगे कि फलाने की इतनी स्त्री तो उसके साथ रहती है, मन से रहना चाहती है परंतु रह नहीं पा रही है, नीच पतिव्रता है। और अधम पतिव्रता वो है जिनका पति होते हुए भी पर पुरुष के साथ में रहती है, सज्जन वो अधम पतिव्रता है। और गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसी माता अपनी जवानी पर विधवा हो जाती है, सारी जिंदगी उन्हें पति शोक देखना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है श्रृंगार नारी की शोभा न होती, और होती जो गुणवान नहीं, और रूपवती बद चलन नारी कभी पा सकी।
सम्मान नहीं। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।